एक बार स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब मुंबई से जुड़ी एक बड़ी खबर। मुंबई के शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप मामले में सेशंस कोर्ट आज दोषियों की सजा पर फैसला सुना सकता है। मुंबई की शक्ति मिल में महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। दरअसल फैसला मंगलवार को ही हो जाना था, लेकिन जैसे ही अदालत में महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप में सजा के ऐलान का वक्त आया, कोर्ट ने ये कहकर आज तक के लिए सुनवाई रोक दी कि शक्ति मिल रेप केस में गैंगरेप की धारा को और जोड़ा जाना है। इस मामले में सरकारी वकील ने सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। मिल के आरोपी के खिलाफ जो हमने नया चार्ज लगाया है कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर से 20 मार्च को कोर्ट ने गैंगरेप के चारों आरोपियों सिराज खान, सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम उर्फ कासिम बंगाली को दोषी करार दिया था। आपको बता दें कि चारों दोषियों ने 22 अगस्त 2013 को मुंबई के शक्ति मिल परिसर में एक महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप किया था। महिला पत्रकार अपने कैमरामैन के साथ शक्ति मिल में एक स्टोरी कवर करने गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने कैमरामैन को बंधक बनाकर महिला पत्रकार के साथ रेप किया।